वेल, करण कुंद्रा ने कहा कुछ ऐसा कि हो गई सबकी बोलती बंद। कुछ ऐसा जवाब दिया है करण कुंद्रा ने तेजस्वी के लिए स्टैंड फिर एक बार सोशल मीडिया पर लेते हुए नजर आए, जिसके चलते फैंस का दिल फिर एक बार पिघल चुका है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ। आप देख रहे हैं फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, तेजस्वी और करण को यूं ही पावर कपल नहीं बोलते, दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। अगर कोई करण के बारे में कुछ बोल रहा है तो तेजस्वी इज द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप फॉर हिम, और अगर तेजस्वी के लिए कोई कुछ बोल रहा है गलत तो करण इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड। एंड स्पेशली ऑन अ मीडियम लाइक ट्विटर, जहाँ पे तेजस्वी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती, वहाँ पे करण हमेशा ही तेजा को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। और अगर तेजा के बारे में कोई कुछ गलत कह रहा है तो ही इज द फर्स्ट वन टू रेज हिज वॉइस। और ऑफकोर्स ये दोनों की जो जोड़ी है वो एक अलग लेवल पे क्यूट है, एंड फैंस इनके हमेशा से ही इनको अपना दिल दे बैठे हैं। लेकिन करण ने अब ऐसा कुछ कह दिया है जिसके चलते जो ऑलरेडी दिल दे बैठे हैं ना, वो भी कह देंगे ले लो, लाइफ टाइम ले लो, दो ही मत, अपने पास ही रखो। चलिए बताते हैं आपको क्या हुआ। बेसिकली एक एंटरटेनमेंट पोर्टल है, उन्होंने कल एक वीडियो डाला जब तेजस्वी करण जो है गोवा से वापस आए, और उसको लेकर जो है पैप्स का एक वीडियो था जहाँ पे तेजस्वी करण से सवाल पूछे जा रहे थे उनके घर को लेकर, कि यू नो किसने घर लिया है। पहले सवाल करण से पूछा गया था पैपराजी ने कि अरे करण कितने बीएचके का घर है, बताओ बताओ। तो करण उधर पॉइंट आउट करे बार बार तेजा के पास कि भाई घर मैंने नहीं लिया है, तेजस्वी मैडम ने लिया, उनको पूछो, तेजा मैडम को पूछो। तेजस्वी जवाब नहीं दे रही थी, तेजस्वी को जब पूछा शी वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड एवरीथिंग। तो जो एयरपोर्ट पे वो दोनों स्पॉट हुए, चलते 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 उनके कार तक गए, कार में बैठ गए, और कितने बीएचके घर है क्या है कुछ भी नहीं बताया ना तेजा ना करण ने। फिर ये जो एंटरटेनमेंट पोर्टल है ये इस वीडियो को शेयर करता है सोशल मीडिया पर, कहता है कि क्या करण कुंद्रा तेजस्वी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर एक नया घर खरीदा है। अब हमने जो स्टोरी देखी थी उसमें क्लियर कट लिखा है कि करण तेजस्वी को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि यू नो मेरा छोटा चूहा, यू नो तुम्हें और भी ज़्यादा सक्सेस मिले एंड तुम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यू नो कर पाओ, दिस इज़ जस्ट स्टार्ट। सो इट वॉज़ वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर कि तेजस्वी ने ही घर लिया है। लेकिन फिर भी पापराजी करण से पूछ रहे थे, राधे दन आस्किंग तेजस्वी, तो शायद इसलिए तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया होगा। और दे भी क्यों, मतलब क्लियर कट लिखा है कि तेजस्वी ने घर लिया है, फिर भी ये कौन सी बात होती है कि लड़के को पूछने, भाई लड़की ने लिया है ना, लड़की को पूछ लो। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट पोर्टल वालों ने क्या किया कि तेजस्वी करण दोनों ने एक साथ तो नहीं लिया घर। अब उसके नीचे करण ने जो है जवाब दिया है, एंड ही इज़ अ ट्रू फेमिनिस्ट, हमेशा ही वो सिर्फ ऐसे बात नहीं कि वो तेजस्वी के लिए स्टैंड लेता है, बट उन्होंने अगर आप उनके पिछले भी कोई इंटरव्यूज देखो ना, हमेशा उन्होंने कहा है कि नो कभी भी कोई भी लेडी जो है, कोई भी विमेन जो है किसी मर्द के पीछे नहीं चलती, वो खुद के कदमों पे खुद चलती है, खुद अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करती है, शी डजंट नीड अ मैन टू कंप्लीट हर सेल्फ। तो करण यहाँ पे ऑफकोर्स अगर अपनी लेडी लव की बात हो तो स्टैंड तो लेंगे ही। उन्होंने कहा नो स्वीटी तेजस्वी डिड, मतलब नो स्वीटी तेजस्वी ने घर लिया है, मैंने नहीं है और हम दोनों ने मिलके भी नहीं, इज जस्ट तेजस्वी का घर। एंड ये कोई मिडिल एजेस नहीं है, पता है वो हमेशा ही मेरे से आगे चलती है, मेरे पीछे नहीं चलती। आपने भी ये ट्राई करना चाहिए विद अ हार्ट इमोजी एंड अ विंकिंग आई इमोजी, यानी आँख मारने वाली इमोजी, कि देखो ये मिडिल एजेस नहीं है, ये वो वक्त नहीं है कि यू नो सिर्फ मर्द ही सब कुछ करे, आगे बढ़े और औरत का काम कुछ नहीं, सिर्फ उसके पीछे पीछे चलना, नहीं ये मिडिल एजेस नहीं है, वो मेरे से आगे चलती है, मेरे पीछे कभी भी नहीं चलती, और ये घर उसने लिया है, हमने मिलके नहीं। सो ही टुक अ ग्रेट स्टैंड फॉर हर, एंड फैंस जो है यू नो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग कि किस तरीके से करण ने तेजा के लिए इस तरीके से स्टैंड लिया है। एंड डेफिनेटली इससे ये भी सीख लोगों को, कई सारे लोगों को मिलेगी जिन्हें लगता है कि यू नो औरतें खुद से कुछ कर नहीं सकती, भाई तो क्या हुआ कि वो लड़की है, वो लड़कों से भी आगे चल सकती है, यू नो एक तो इक्वली या फिर आगे, लेकिन पीछे कभी नहीं। That's a great thing that Karan just said. What's your take on it? Let me know in the comments. I'll see you soon.